वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आज है संडे तो आज आपको हम देंगे आपको छोटी छोटी डिटेल आपके फेवरेट स्टार्स की, वो भी एक भी वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मौनी रॉय से। मौनी रॉय के बारे में बात करें तो मौनी रॉय ने यहाँ पर मुंबई में आकर अपनी फिल्म रॉ की यहाँ पर डबिंग की। डबिंग करने के बाद वो चली गई यहाँ से इटली और वहाँ अपने दोस्तों के साथ घूम रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पर फैशन फोटोशूट हुआ है, या फिर हम बोले ब्रिटाल फोटोशूट हुआ है, जहाँ पर मौनी रॉय नजर आई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और आप देख ही रहे हैं फोटोज़ में यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही मौनी रॉय। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हैं और अपने दोस्तों के साथ में वो पूरी तरह से घूम रही हैं और वैसे एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है उनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई में वापस आने के बाद उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसके बारे हम जल्दी आपको डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी फेवरेट अदा खान की, जो कि दिखाई दे रही है सितारा सीरियल में और साथ ही साथ कानपुर वाले खुरानाज में। तो अभी जल्दी में उनकी एक तबीयत थोड़ी बहुत खराब हुई थी जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया था। हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी शूटिंग चालू कर दी थी सितारा सीरियल की और वहीं कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि सितारा सीरियल भी ऑफ एयर होने वाला है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली है। रश्मि मैम ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, जैसे हमें मिलती है हम आपको जरूर बता देंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर हम आपके फेवरेट अर्जुन बिजलानी की। अर्जुन बिजलानी का शो इश्क में मर जामा फिर से धीरे धीरे करके ट्रेंड में आ रहा है। ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और बाकी लोगों को हम बता दें कि अब यहाँ पर दीप का भी डबल रोल आ चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा हमने इसकी भी अपडेट दी थी जो कि 100% सच निकली थी और अर्जुन बिजलानी नज़र आए हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अब दीप वापस आ चुका है घर में और इश्क में मर जामा में बहुत ही तड़का लगाने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आगे, लेकिन वैसे आपको बता दें काफी ज्यादा एंजॉय किया था यहां पर अर्जुन बिजलानी ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट अलीशा पनवार की। अलीशा पनवार के बारे में बात करें तो गोवा से वापस आने के बाद कई सारी मेमोरीज उनके अंदर रह गई और काफी ज्यादा याद करती हैं गोवा के पल को और साथ ही साथ यहां पर उनको एक नया प्रोजेक्ट जो हुआ था वो धीरे धीरे करके अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में जल्दी बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको बता दें इश्क में मरजावां के अलावा अलीशा पनवार काफी ज्यादा यहां पर एंजॉय कर रही हैं। इश्क में मरजावां में उनकी शूटिंग का लोकेशन जब चेंज हुआ था और जब वहां पर उनकी छुट्टी मिली थी तब वो गई थी यहां पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। शॉपिंग मॉल में उन्होंने कई सारी शॉपिंग की और आपके लिए हम एक प्लान कर रहे हैं यहां पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है तो हम आपको आपके फेवरेट स्टार से जरूर मिलवाएंगे और वैसे बस 100 के होने पर हम आपको सरप्राइज जरूर देंगे। तो जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके फेवरेट करणवीर बोहरा की। करणवीर बोहरा अपने वाइफ टीजे सिद्धू के साथ में गए थे यहाँ पर जयपुर। जयपुर में काफी ज्यादा उनका भव्य स्वागत हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पर अपने टीजे सिद्धू यानी अपनी वाइफ का भी बर्थडे मनाया था और सुरभि ज्योति से भी मिले थे कल के दिन यानी 26 जनवरी के दिन और वहाँ पर ये बीच पर सफाई करते हुए नजर आए थे, क्योंकि यहाँ पर अपना सोशल कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है और काफी ज्यादा इंजॉय किया था उन्होंने ये ट्रिप। आपको बता दें करणवीर बोहरा जल्दी ही आपको एक नए यहाँ पर किरदार के साथ में नजर आने वाले हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होते ही हम आपको जरूर बताएंगे। और कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप आने वाली वीडियोस को देखने लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लेना और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हर रोज मिलते रहते हैं। थैंक यू।